एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको भी यही पता है ना तो ये वीडियो आपके लिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि एसईओ क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो के अंदर जो है स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि यार एसईओ बेसिकली है क्या। फुल फॉर्म तो इसका यही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एक्चुअली ये क्या है टर्म और क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं, ये जानने के लिए इस पूरे वीडियो के एंड तक बने रहे। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आपको मैं बता दूं कि यहां से ये वीडियो जो है आपको पसंद आए तो इस तरह से पूरा कंप्लीट डेली बेसिस पे आपके लिए जो है एसईओ की एक वीडियो आने वाली है, जिसमें हम पूरा इनडेप्थ जाकर जो है एसईओ को समझेंगे और प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है एसईओ, एसईओ क्या होता है और उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, बिकॉज अब तक हमें जो पता है दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि किसी सर्च इंजन के अंदर सर्च करने का जो टर्म है उसी को हम एसईओ कहते हैं। तो बेसिकली एसईओ का फुल फॉर्म तो यही है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। लेकिन ये जो वर्ड है ये दो अलग अलग वर्ड्स के साथ में या दो अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ में जो है मिलकर बना हुआ है। और पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको कहते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसी एप्लीकेशन या एक क्लाउड बेस्ड ऐसी एप्लीकेशन, आई वुड से, जिसके अंदर बहुत सारा जब डेटा होता है तो उसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकें, ऐसे डिजाइन किया गया जो सॉफ्टवेयर है उसी को हम सर्च इंजन कहते हैं। अब दूसरा जो यहां पे टर्म आता है वो आता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन की यानी कि हम कुछ ऐसी जो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स का इस्तेमाल करके हम उस सर्च इंजन यानी कि उस एप्लीकेशन के अंदर अपने कंटेंट को, जब भी कोई उसमें सर्च करे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ह्यूज डेटा अवेलेबल है, लेकिन हम चाहते हैं कि उस ह्यूज डेटा में जब भी कोई एक रेस्पेक्टिव कीवर्ड के लिए जो है वो सर्च करे तो हमारा ही डेटा जो है वो सबसे पहले दिखना चाहिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली ये करना जो है बहुत डिफिकल्ट भी होता है एंड बहुत इजी भी है। डिफिकल्ट तब तक है जब तक हमें नहीं पता, इजी तब हो जाता है जब हमें सब कुछ पता है। सो बेसिकली यहां पर अगर मैं आपको बोलूं कि चलो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ बैकएंड पे हम कोई चेंजेस कर सकते हैं, द आंसर इज वो सॉफ्टवेयर हम ओन नहीं करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ गूगल। अब गूगल ये जो है पूरा ओन करता है इस पूरे एप्लीकेशन को, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को, सर्च इंजिन को। तो क्या हम उसके एज अ यूजर उसको चेंज कर सकते हैं? द आंसर इज हम उसके अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें ये समझ लिया कि उनका ये जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअली काम कैसे करता है, उसका एल्गोरिदम क्या है, किन पैरामीटर्स को देखकर वो जो है अपने कंटेंट को फर्स्ट पे लेकर आता है, तो ऐसा काम जो है उसको हम ऑप्टिमाइज बोलते हैं। यानी कि हम अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, अपने ही पेजेस के ऊपर में कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा कंटेंट जब भी गूगल पे कोई सर्च करेगा उस पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव कंटेंट को, तो हमारा जो कंटेंट है वो पहले नंबर पे दिखने लग जाएगा। तो इसी प्रोसेस को जो है SEO बोलते हैं, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक सिंगल वर्ड नहीं है, दो अलग अलग टेक्निक या दो अलग अलग मेथड्स को मिलाकर जो है इसको बोला जाता है, लेकिन इसमें काम जो है वो काफी सारा करना पड़ता है। और जो आपको इस वीडियो के अंदर, इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको डेली बेसिस पे यहां पर मिलने वाली है अमेजिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट लूंगा और उसके ऊपर में बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जो है चीजें लेकर चलेंगे। अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब तो डेली वीडियो जो है एसईओ के ऊपर में स्टेप बाय स्टेप करके हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलता हूं एक और एसईओ के ही वीडियो के अंदर, एक स्टेप और आगे बढ़ के।